ये देखिए देखिए 11 बज गया है, लेकिन मैडम जी का कोनो पता ही नहीं है। अरे सरिता जी, कहाँ है आपकी मैडम जी? नया नया शादी हुआ है ना, और कहीं इस चक्कर में मैडम जी भूल तो नहीं गई ना कि 12 बजे का मीटिंग वह फिक्स की थी? देखिए चौबे जी, कोई जरूरी काम आ गया होगा। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैडम अपना ड्यूटी कभी नहीं भूलती। लेकिन आज आपका मैडम जी का ड्यूटी फेल हो गया है। सुनिए सरिता जी, सरी पता कीजिए, आप कहाँ रह गई हैं आपकी मैडम जी? अरे वीरेंद्र, तुम वो का है ना बड़े बाबू, हमको भी अपना कार्ड बनवाना है। ये सरकारी कार्ड है, हैं? कुछ नियम कानून है, फिर तुम्हारी तो पंसारी की दुकान है। अब का कहें बड़े बाबू, हमारी दुकानदारी तो बिल्कुल ठप। अब आप इस गरीबी रेखा के नीचे वाली कार्ड अगर हमको बना के दें, उससे हमको नकद सरकारी सहायता मिल जाएगा, ऊपर से सस्ते में अनाज और हमारे बच्चों का फीस भी माफ हो जाएगा। आप हमारा उद्धार कीजिए बड़े बाबू। देखो, आपका उद्धार तो हो जाएगा, पर मेरा उद्धार कैसे होगा? 20% लेंगे, सोच ले। ये सोच मत, काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अरे निर्मल जी, आप वहां कहे खड़े, आगे आइए। मुझे लगा यहाँ मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अरे आप तो वीडियो मैडम के जीजा जी है ना, हैं? आए नहीं पहचानेंगे? आइए इधर आइए, आइए बैठिए। आपका कार्ड 5 मिनट बन जाएगा। ए चाय ले आओ, पहले आपके बनाता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। भैया, यहाँ तो बहुत धांधल हो रही है। क्या करे, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। भाईजान, गैर कानूनी को कानूनी आप बनाइए ना। देखिए काम तो हो जाएगा, लेकिन 50% लगेगा। ये लीजिए। बड़े मियाँ आदाब, मोहतरमा परवेज अहमद भाईजान की तीसरी बेगम है। बहुत बड़ा कारोबार है इनका। इनके यहाँ की मिठाई विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। खुदा कसम, एक बार खा लेंगे ना आप, उंगली चाटते रह जाएंगे अपनी आप। जब इतनी मालदार हैं, तो यहाँ कहाँ आई हैं? भाईजान, बीपीएल कार्ड बनवाने आए हैं, सरकार का टैक्स से बचने और सरकारी सुविधा का फायदा उठाने आए हैं।
माफ कीजिए, हम ये सब नहीं कर सकते, गैर कानूनी। भाईजान, गैर कानूनी को कानूनी आप बनाइए ना। देखिए काम तो हो जाएगा लेकिन 50% लगेगा। इतनी ज्यादा है भाईजान? चलिए ठीक है, 40% में आपका काम कर देते। बस समझिए, आपका कार्ड बन गया, ये लीजिए। अपना पद का दुरुपयोग करने और घूस लेकर गलत तरीका से बीपीएल कार्ड बनाने के लिए हम वीडियो कृष्णा राज आपको सस्पेंड करते हैं। और आपके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देते हैं। मैडम जी, ये जुल्म मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती होगी मैडम जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मैडम जी। मिथिलेश जी, इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाई। मैडम जी, हमने तो आपके अपने लोगों का भी करें। जीजा जी, मिथिलेश जी, निर्मल जी के विभाग में लिखित सूचना भिजवाइए कि गलत कागज दिखाकर बीपीएल कार्ड बनवाए, इस वजह से इनका खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जाए। क्या कह रही हो कृष्णा, तुम हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाओगी? इस समय हम एक सरकारी अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कृष्णा राज, और एक सरकारी अधिकारी होने का हैसियत से हम कोई भी गलत काम को माफी नहीं दे सकते। आप लोग को हमारा जय जयकार करने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग के जैसा एक आदमी की शिकायत पे ही आज ही सब हुआ। हम हमारे कार्यालय में एक शिकायत पेटी लगवाएं, आप लोग उसमें अपना शिकायत डालिए। हम आपको भरोसा देते हैं कि आप लोग का शिकायत पे उचित कार्रवाई होगा। आज एक पीड़ित का शिकायत के कारण इतना बड़ा पोल खुला है। आप लोग को बस हमारा साथ देना है, हम आपके साथ हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम हमारे ब्लॉक में
किसी को भी भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। आप लोग बिना किसी डर और हिचकिचाहट के अपना शिकायत हम तक भेजिए, उस पर हर हालत में कार्रवाई होगा। हाँ, हम शिकायत करेंगे। खुश रहो बिटिया, भगवान सबको तुम्हारी जैसी बिटिया दे। पलकों के नीचे पलती हुई सपनों की दुनिया लेके चली, बदला है मौसम हमने मिला है यकीन जब से मुझसे परिंदे उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे, मैडम जी एक मिनट। मैडम आप लोग यहाँ? हमने बुलाया था मैडम, और बोला था कि जब तक ऑपरेशन खत्म ना हो जाए तब तक सामने ना आए। लेकिन ये सब करने का क्या जरूरत था मिथिलेश जी? मैडम जब आप जनता के लिए इतना कुछ कर रही हैं तो जनता को भी तो पता चलना चाहिए। मुझे आप लोग क्या जानना चाहते हैं? वीडियो मैडम आपने ये कार्रवाई करने का कैसे सोचा? जनता का शिकायत से हमने सुना है आपने दो लोगों को सस्पेंड किया। आप बिल्कुल सही सुने, कोई अपने पद का गलत इस्तेमाल करे ये हमको मंजूर नहीं। आपको यकीन है कि इस तरह से आप भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा कोशिश भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मैम वो दोनों सरकारी लोग जिनको आपने निलंबित किया है उनका नाम पता कौन है वो? उनके खिलाफ शुरू किया जांच पूरा होने तक उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। मैडम इस कार्रवाई के बारे में मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगी? सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि वो लोग गरीब लोग का हक मारना छोड़ दें और भ्रष्टाचार से दूर रहे, कहे कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। अरे वाह, ये लीजिए मैंगो जूस। हमारा सिर पे रखेंगी, वहां रखे ना। लीची और आम के मौसम में अब करेला जैसा मुंह काहे बनाए हुए हैं जी? अरे हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकी जो है चाहती का है, ये सब पढ़ाई लिखाई वो भी बबलू सिंह के घर जाके। अरे हमारी पिंकी ना एकदम ठीक कर रही है, अब हमारी पिंकी वीडियो नहीं बन पाई तो क्या हुआ? उसके अंदर ना कलेक्टर वाला दिमाग है। अभी तक ना कृष्णा हमारी पिंकी का जिंदगी बर्बाद की, अब हमारी पिंकी की बात। हेलो का जी? अरे कैसा बात कर रहे हो भाई? अच्छा तुम ना जिंदगी में कभी अच्छी खबर मत सुनाना, समझ गए? अब फोन रखो। कहा हुआ जी? अरे होना का वो बीपीएल कांड में दो लोगों को सस्पेंड करके हीरोइनी बन गई कोयला खदान। अरे कोई गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र में धांधली कर रहा था, वो भेष बदल के उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, वहीं पे सस्पेंड कर दी। और टीवी वाला बड़ा गुणगान कर रहा है। भगवान जब से कोयला खदान पैदा हुई है ना हमारे छाती पर मूंग दल रही है। और क्या? ए जी तारी फोन दीजिए। अरे तोड़ दोगी का, आराम से लो ना। हेलो। हाँ मम्मी। अरे तुमको बीपील कांड पता है कि नहीं? नहीं तो क्या बात है? अच्छा मम्मी हम आपको बाद में फोन करते हैं। ओ
वो सर हमको प्यास लगी है, हम पानी पी के आते हैं। हम मंगा देते हैं। नहीं नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, अपना ही तो घर है, हम खुद पी लेंगे। ठीक। हमको पानी चाहिए था, हम ले ली। तुम खुद यहाँ काहे चली आई? किसी को बोल देती, माधव को बोल देती। अरे चाची जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अब एक ग्लास पानी के लिए हम क्यों किसी को तंग करें, हम खुद ले लेते हैं। चाची जी, वैसे आपको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई? किस बात का बधाई? अरे कृष्णा इतना बड़ा काम की है। का किया कृष्णा ने? कृष्णा सर से पैर तक काला बुर्का पहनकर एक लड़की के साथ गई। ओ, गरीबी रेखा वाला कार्ड में जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे ना, उनको रंगे हाथ पकड़ने, और उसने पकड़ भी लिया। ये सब हमारी कृष्णा ने किया। चारों तरफ उसी का तो चर्चा हो रहा है। पता है चाची जी, टीवी पर भी उसके बारे में दिखा रहे हैं। तो कृष्णा ने काला बुर्का भी पहना? हाँ चाची जी, बुर्का पहनकर किसी लड़की की पत्नी बनकर उन लोगों ने पूरा नाटक किया। कृष्णा को कितना मजा आया होगा ना? वैसे ये सब ना हमने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। माँ हम अभी आते हैं। मैडम सच कहें, हम आज तक आपके जैसा ऑफिसर कौनों नहीं देखे हैं। आप तो अपने जीजा को भी सस्पेंड करा दिए हैं। बड़ा बाबू, हमको बहुत बुरा लग रहा है। अब 20 साल हो गए यहां नौकरी करते करते, लेकिन आज तक कोनो अफसर ने ऐसा नहीं किया। बड़ा बाबू एक बात बताइए, कौन है जो यहां दूध का धुला है? अरे आटे में नमक तो हर जगह चलता है भाई, लेकिन सस्पेंड कर दिया, ये कोई बात हुई? बड़ा बाबू कहाँ चल दिए? हाँ ठीक है ठीक है, हम आपको छोड़ने जाएंगे बाहर तक, कोई जाए ना जाए, तुम लोग यहाँ खड़े रहो। हाँ बड़ा बाबू, इस सब में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप तो खुद एक गरीब परिवार से हैं, जानते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो फिर हम ही मेहनत का इसलिए करते हैं कि जब हम ऐसा कोई बड़ा पद पर आ जाए तो बेईमानी करने लगे, अपना ही जैसा और गरीब लोग का हक छीनने लगे। आप जिस परिवार और बच्चा लोग के लिए गलत तरीका से ये धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, कभी सोचे हैं वो बच्चा लोग पर आपका क्या असर पड़ेगा? माँ बाप से ही बच्चा लोग को संस्कार मिलता है,
उनका जीवन बनता है, ऐसे में आप अपना बच्चा लोग को कैसा जीवन देना चाहेंगे बड़ा बाबू? ये जो भी काम आप कर रहे हैं इससे समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसा समाज में अपना जिंदगी शुरू करें जहां भ्रष्टाचार और झूठ शामिल हो? मैडम जी, माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। मैडम, सच कहें, हम आज तक आपके जैसा ऑफिसर कौनों नहीं देखे हैं जो आपकी तरह एक ही नजरिए से सबको देखता हो। आप तो अपने जीजा को भी सस्पेंड करा दिए हैं। जब मनीषा दीदी को ये सब पता चलेगा तो क्या सोचेगी?